हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बानो। आज मैं आपके साथ फर्सी पूरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत आसान सी रेसिपी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं फर्सी पूरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इसके लिए मैं 2 कप मैदा लूंगी, ये 250 ग्राम की जितना है, और 1 कप ले लूंगी मैदा। और 1 कप मैदा डाल दूंगी, 50 ग्राम की जितना है। मैंने आधा किलो मैदे के लिए 50 ग्राम की जितना रवा है बारीक सूजी लिया है, ये डाल दूंगी। अब मैं इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, ये डाल दूंगी। अजवाइन डालूंगी, 1 टीस्पून की जितना अजवाइन लिया है, और जीरा डालूंगी, जीरा भी मैंने 1 टीस्पून की जितना लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून की जितना नमक डालूंगी। अब मैं सारी चीजों को मिक्स कर लूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, मैंने जितना रवा लिया था उतना ही ऑयल है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूनूंगी। इसे मैं ज्यादा पानी नहीं डालूंगी, थोड़े से पानी में गूनूंगी। आटे को अब घट मिलाइए, नरम मत मिलाइए। आटे को मैंने मिला लिया है। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब मैं पूरियां बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आपको जो साइज की बनाना है वो साइज के आप पूरियां बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिया है। अब मैं इसे बेलूंगी, मैं ज्यादा मोटा भी नहीं बेलूंगी, ज्यादा पतला भी नहीं बेलूंगी। मीडियम साइज बेलूंगी मैं। फिर मैं इसमें नाइफ से ऐसे निशान लगा दूंगी। ऐसे ही करके मैं सारे पूरियों को बेल लूंगी। मैंने पूरियों को बेल लिया है, अब मैं इसे तल दूंगी। मैंने चूल्हे में कढ़ाई रख दिया है और तेल गरम होने आ चुका है। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें पूरियां डालना स्टार्ट करूंगी। पूरियों को मैंने दोनों साइड अच्छे से तल लिया है,
अब मैं इसे निकाल दूंगी। मैं ऐसे ही करके बाकी के पूरियों में तल दूंगी। फर्सी पूरी बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी।